ए पप्पू कौन थे आपके? अब हमारा पति है पप्पू। पप्पू आपके पति थे? हाँ सर। नगटी गया, स्टूडेंट हो गया है, मौत उसको हो गया अभी पर सर। रोइए मत, धीरज रखिए। लहास लाने के लिए 40,000 रुपया भेजने। लहास लाने के लिए 40,000? पप्पू मांझी के ये तीन बच्चे हैं, एक दो बेटा और एक बेटी। अब क्या कीजिएगा? अब तो कोई कमाने वाला नहीं है, ने कोई यहाँ नौकरी नहीं, कोई रोजगार है सर, ने खेती ने बारी ने घर ने द्वार कुछ नहीं बनाया है। पापा ने क्या बोला था जाते हुए? जाते हुए पढ़ाई लिखाएंगे, पोसे पालेंगे, घर बनाएंगे। रोइए मत हमारे बाबू, रोइए मत, हम लोग आपके साथ हैं। बालासोर रेल हादसे में इस गांव के लगभग 7 लोग हावड़ा से चेन्नई कमाने जा रहे थे, रोजी रोजगार के तलाश में जा रहे थे, लेकिन बालासोर में ट्रेन दुर्घटना हो जाती है और इसी गांव के 7 लोग जो कमाने जा रहे थे उसमें से एक लोगों की मृत्यु हो जाती है। अभी हम पप्पू मांझी के घर पर हैं और पप्पू मांझी का ये घर है, ये इसी घर से निकल कर रोजी रोजगार के तलाश में जीवन यापन के लिए चेन्नई जा रहे थे, लेकिन ट्रेन रास्ते में हादसे का शिकार होती है और पप्पू मांझी की जान चली जाती है। पप्पू मांझी के परिवार के तमाम लोग हैं, गांव में मातम पसरा है, क्योंकि इनके परिवार के, इनके गांव के लोग 7 लोग एक साथ निकले थे कि चेन्नई जाकर कमाएंगे और इसके बाद बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए, फीस, कपड़ा, दुकान, मकान और रोजी रोजगार के लिए, खाने पीने के लिए पैसा भेजेंगे, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। बालासोर जैसे ही ट्रेन पहुंची, बड़े हादसे का शिकार हो गई और 7 में से 6 लोग जो है जिंदा है और 7 में से 1 लोगों की मृत्यु हो गई है। उनकी धर्मपत्नी है, रो रो कर बुरा हाल है, गांव वाले बेहाल है कि यहां पर रोजगार नहीं मिला बिहार में, जिसकी वजह से उनको चेन्नई जाना पड़ा और चेन्नई जाते जाते ट्रेन का इतना बड़ा हादसा हो गया कि तमाम लोग जो है मारे गए हैं। ये बताइए पप्पू कौन थे आपके? अब हमारा पति है पप्पू। पप्पू आपके पति थे? हाँ सर। और उनकी, उनके कितने बच्चे हैं पप्पू जी के? तीन बच्चा है उसका, 2 लड़का 1 लड़की। 2 लड़का 1 लड़की। पप्पू मांझी के ये 3 बच्चे हैं, दो बेटा और एक बेटी। इनका सोचे कि इनका भविष्य क्या है सर, इनका जीवन क्या है, ये क्या बताएंगे कि मेरे पिताजी की ट्रेन हादसे में मृत्यु हो गई, या बाप किसको बोलेंगे, ये सवाल है। और इस परिवार का, पूरे घर के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। जो है कहां, पहले भी चेन्नई में रहते थे क्या? हाँ सर, चेन्नई में पहले रहता। आए हुए थे गाँव? हाँ गाँव आए, छुट्टी में। हाँ। क्या हुआ पूरा घटना बताए, कब निकले थे वो? निकला है बृहस्पत के, शुक्र के घटना हो गया है। हाँ। ट्रेन में। हाँ सर। तो ट्रेन में बैठने से पहले फोन ऑन किए थे आपको? हाँ, बैठ गया तो कहा कि ट्रेन बैठ गया, उसके बाद अभी 6 बजे तो ट्रेन चालू होती, घटना घट गया, स्टूडेंट हो गया है, मौत उसको हो गया अभी पर सर। रोइए मत, धीरज रखिए, रोइए मत। ये कौन बताया आपको कि ट्रेन का हादसा हो गया है? उसको 7 आदमी गया है, इसे बताया है। अच्छा, जो है जर्नल डिब्बा का टिकट था या जो है एसी ओसी या जो स्लीपर का उन्होंने टिकट ले रखा, रिजर्वेशन था? टिकट करा के गया है सर। टिकट करा के गए थे जर्नल का? हाँ। नहीं, रिजर्वेशन। हाँ, का स्लीपर का? हाँ। तो जो है वो जो 7 लोग यहाँ से गए थे, एक साथ ही निकले थे? हाँ, साथ ही निकला है। तो 7 में सिर्फ और सिर्फ पप्पू मांझी की ही मृत्यु हुई है? हाँ, उसी की हुई है, बाकी घायल है सब। बाकी सब घायल है? 6 लोगों में से 1 लोग आपको फोन करके बताया कि पप्पू जी की मुक्ति हो गया है? हाँ। जरा सोचिए इनके दिल पर क्या बीत रही होगी, इस दोनों बेटे के दिल पर क्या बीत रही होगी। इनको उम्मीद था कि मेरा बाप गया है कमाने के लिए तो वहां से पैसा भेजेगा तो फीस जाएगा, इनका फीस कौन भरेगा? इस घर को आप देख सकते हैं, पूरा जीवन पप्पू मांझी ने कमाया लेकिन ढंग से घर नहीं बनवा पाए और आज इस घर में जो है पप्पू मांझी की कमी कहीं ना कहीं खल रही है, क्योंकि पप्पू मांझी अब इस दुनिया में नहीं, वो ट्रेन हादसे में शिकार हो गए। कितना सैलरी पाते थे वहां? 6 साल कितना? 6 साल 4-5 साल से। 4-5 साल रह रहे हैं। पैसा कितना मिलता था एक महीने में? 10,000 रुपया। 10,000 रुपया, सोचिए कि 10,000 का नौकरी करने के लिए आपको लगभग 2,500 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, अपने परिवार को छोड़कर लगभग 2,500 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ 10,000 की नौकरी करने के लिए जाना पड़ता है, और 10,000 में बचेगा कितना उसका भी अनुमान आप लगा सकते हैं। न बोली समझ में आएगी, न
भाषा समझ में आएगा, ना रीति ना रिवाज, और 2500-3000 किलोमीटर लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए के लिए कमाने चले जाते हैं। शायद से बिहार के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर होता, कंपनी होती, फैक्ट्री होती, तो पप्पू मांझी चेन्नई नहीं जाते। अगर उनको 10,000 रुपए सैलरी बिहार में मिलती तो ये हादसा नहीं होता और वो उनको चेन्नई नहीं जाना पड़ता। ये सोचने का विषय है। 10,000 पाते थे? हाँ सर, 10,000। बच्चा उच्चा पढ़ते थे? हाँ सर, पढ़ जाता है। अब क्या कीजिएगा, अब तो कोई कमाने वाला नहीं है, ने कोई यहाँ नौकरी नहीं, कोई रोजगार है सर, ने खेती ने बारी ने घर ने द्वार कुछ नहीं बनाया है। हम उसको सास से सर, हम छोटे छोटे में भी उसका कर दिया। ये उनकी मम्मी है? हमका पति भी नहीं है, वो डेथ भी हो गया। पढ़ने जाते थे बाबू? कहाँ पढ़ते थे? पापा ने क्या बोला था जाते हुए? जाते हुए पढ़ाई लिखाएंगे, पोसे पालेंगे, घर बनाएंगे। पापा बोले तो जाते हुए पालेंगे, पोसेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, घर बनाएंगे। अब क्या होगा, अब तो पापा रहे नहीं दुनिया में। हाँ सरकार देखेंगे सर, हमारा बच्चा। पापा तो है नहीं बाबू, रोइए मत, रोइए मत हमारे बाबू, रोइए मत, हम लोग आपके साथ हैं, रोइए मत, रोना नहीं है बाबू, रोना नहीं है, रोना नहीं है बउआ, रोना नहीं है। बिटिया पढ़ने जाती थी? किस क्लास में पढ़ती थी? पांचवा। पांचवा में पापा जो है पापा गए थे तो पता है? हाँ, आते थे तो छिज्जू जी लेकर आते थे, कपड़ा पड़ा है। क्या बोले, किसको कोसे, कोसे किसको यार ये लोग, किसको कोसे कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, विकास के नाम पर, फैक्ट्री के नाम पर, इंडस्ट्री के नाम पर, कंपनी के नाम पर, फैक्ट्री के नाम पर मजाक है। ये कोसे चेन्नई क्यों जाना पड़ा कमाने के लिए, सोचने का विषय है। और इसको सोच सोच कर ये लोग जिंदगी भर रोएंगे कि अगर चेन्नई नहीं जाते तो ट्रेन हादसा नहीं होता और इनके घर के पप्पू मांझी, एकलौता कमाने वाला पप्पू मांझी नहीं मरता। ये बताइए कौन थे आपके पप्पू जी? भाई थे। क्या बोले थे जाते हुए? कि बहन जा रहे हैं, कहाँ के लिए रहेंगे यहाँ? लाश लाने के लिए 40,000 रुपया भेजना। लाश लाने के लिए 40,000? सरकार कोई मदद नहीं कर रही? नहीं मदद कर रही है हमारा। 1216 में जब ट्रेन हादसा हुआ तो तमाम मुख्यमंत्री, केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच गए और फिर भी लाश लाने के लिए 40,000 रुपए मांगा जा रहा है एम्बुलेंस की तरफ से। तो सोचिए क्या गरीब आदमी लाश भी मंगवा पाएगा जो साल भर में 40,000 रुपए कमाकर सेव नहीं कर पाता है, बचत नहीं कर पाता है, वो 40,000 रुपए लाश मंगवाने के लिए देगा क्या? जरा सोचिए, सोचने का विषय है। लेकिन तमाम नेताओं को कहना चाहूंगा, एक बार आइए इस परिवार के साथ मिलिए, इनका दर्द बांटिए, चाहे वो दलित समाज के नेता हो या किसी भी। शायद से अगर चुनाव होता तो बहुत सारे नेता होते और तमाम नेताओं को आना भी चाहिए। कौन सा गाँव है ये? मडरा। मडरा गाँव? हाँ मडरा गाँव। प्रखंड? रोह प्रखंड का मडरा गांव, जिला नवादा। इस वक्त हम इस गांव में मौजूद थे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।